मैं महेश कुमार अम्बाई बुजुर्ग काड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ स्त्रियों के साथ इतना भेदभाव होता है। इस त्यौहार को यहाँ सकट या गणेश चौथ के नाम से जाना जाता है। सावित्री देवी हैं, इनके साथ इनके लड़का इनमें बच्चियों की पूजा नहीं होती है, इसमें जिनके लड़का होता है उन्हीं की पूजा होती है। इसमें सावित्री देवी जो हैं उनके कोई भी लड़का न होने के कारण उसके पति मारपीट करता था करता है, और उसके अलावा भी उसके सास ससुर या परिवार के लोग उससे अपमानजनक शब्द या उससे तमाम प्रकार के उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मेरे शादी के 5-6 साल बाद मेरे 5-6 साल बाद मेरे लड़का और लड़की पैदा हुई थी, तो मेरे आदमी मेरे घर परिवार वाले मेरे सास ससुर से मुझे मारते पीटते थे, भगाते थे, घर से गाली थक्कर बोलता था, झगड़ते थे। मुझे बहुत खराब लगता है, मुझे देखने में खराब लगता है, शादी परिवार वाले सबको खराब लगता है कि देखो मारते पीटते भगाते हैं जी, वो नहीं पूछते थे, मेरा पति मेरे घर से भगाता है। हमारे यहाँ अभी तक सकट का त्यौहार, सकट के त्यौहार में हम लोग औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, अब ऐसा नहीं है। हमारे बच्चियां थी, अब तो मेरे बच्चे हैं, अब तो लड़का हो गया है, अब औरतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। ऐसा सकट का त्यौहार ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ऊंच नीच का भेदभाव है। यहाँ जो त्यौहार होता है, यहाँ महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा त्यौहार ना हो जिससे कि महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस त्यौहार में समान का अधिकार हो, जिससे कि महिलाएं लड़की और लड़का दोनों को समान अधिकार मिले, जिससे इसमें इनमें बच्चियों की भी पूजा हो और बच्चों की भी हो। मैं महेश कुमार अम्बाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी से, इंडिया अनहर्ड के लिए।